उधर ही होगा। लो भैया हाजी, हमारे पास देखो स्पेशल पुआ होता है अपने पास, जो अपने 25 साल से चल रहा है तकरीबन यहाँ पे। और उसके अलावा अपने पास है खमन है, खांडवी है, और पीछे दाल पकवान है अपने पास। अच्छा। में अपने पास सारा स्पेशल है। ये अपन सब यहाँ पे तकरीबन अपन को 25 साल हो गई है। हाँ, 25 साल हो गई है। अपने 2000 में लगा लिया था, 25-24 साल हो गई अपन को। पुआ की छोटा प्लेट बनता है 30 रुपये का, बड़ा बनता है 40 रुपये का, और अपना स्पेशल बनता है 50 रुपये का, जिसमें पनीर, ड्राई फ्रूट वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं। और ढोकला, ढोकला अपना रहता है, ये प्लेट रहता है 40 रुपये का, जिसमें 4 पीस आते हैं, 250 ग्राम के तकरीबन। ये होता है अपने पास। दुकान कहाँ है, एड्रेस बता। ये दुकान है अपनी चौड़ा रास्ता, SBI बैंक के जस्ट सामने अपना। टाइमिंग है अपनी सुबह 6 से 12 बजे। माहिर माहिर ना हटाओ नी भाई। ये लो पैकिंग पकड़ो, कितनी डालो आपको? यहाँ पे तकरीबन 600-700 प्लेट सेल कर देते अपन। संडे को अपन 1500-2000 प्लेट सेल कर देते हैं, बस पुआ ओनली। संडे को ज्यादा क्रेज होता है, डबल ही हो जाता है सीधा माल, और दिन से डबल हो जाता है। अब आपकी एक प्लेट लग रही है, ठीक है। ये अपन इसमें डाल रहे हैं, ये हमारा होममेड मसाला होता है, और ये अपना जीरा वन मसाला होता है, ये बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये अपन डालेंगे प्याज, इसमें डलेगा टमाटर, ये अपनी रतनामी नमकीन, ये ग्वालियर के कॉम्प्लेक्स नमकीन, मीठा नमकीन होता है ये बीकानेरी। भैया एक प्लेट पोहा कर देना ना, 10 खांडवी। फिर अपन इसमें ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे पनीर डेकोरेशन। हाँ, ये पनीर अमी डालते हैं बस ये। अच्छा। और कोई नहीं डालता है, पनीर अमी डालते हैं। थोड़ी सी बूंदी, ये मूंगफली, थोड़ा खट्टापन के लिए अपन इसमें नींबू डालेंगे, और डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट। स्पून लगा के, नैपकिन लगा के आपको सर्व कर देंगे। ये 40 रुपए की प्लेट है अपने। अच्छा, पनीर वाली, पनीर वाली एक्स्ट्रा, पनीर वाली 50 की बनती है, तो नॉर्मल पनीर है, इससे भी एक्स्ट्रा होती है, वो 50 रुपए की बनती है, इससे भी ज्यादा लगता है उसमें। एक पूरा ये लग जाता है, एक पूरा ये डलता है अपना। वेलकम। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं पनीर वाले पोहे, मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किए, मैं जयपुर आया हूँ और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ पनीर वाले पोहे। टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा है ये टेस्ट। टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन पनीर वाला है कुछ नया है, मुझे पसंद आया ये। ठीक,